हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कई बार कुछ लोगों के फेस पर तिल इतने बड़े होते हैं कि वह घरेलू उपायों को ट्राई करने के बाद भी नहीं जाते। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्रीम्स का नाम बताऊंगी जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने फेस पर मौजूद तिल को हटा सकती हैं। चेहरे पर तिल हटाने के अलावा अगर आप चेहरे से तिल हटाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढ रही हैं तो उसकी वीडियो भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ वेबसाइट लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जरूर चेकआउट करें। तो चलिए फिर जानते हैं चेहरे से तिल हटाने के लिए कौन सी क्रीम्स आती हैं। जो पहली क्रीम है उसका नाम है व्हाट एंड मोर वैनिश क्रीम। चेहरे से तिल हटाने के लिए यह एक बहुत ही शानदार क्रीम है। आप इस तिल क्रीम को सीधे अपने तिल पर लगा सकती हैं और 5 से 6 दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात इस क्रीम की यह है कि इसे लगाने के बाद आपके फेस पर कोई जलन नहीं होगी। आप इस क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हाँ, डॉक्टरी सलाह यानी किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें कि क्या आपकी स्किन के लिए यह क्रीम बेहतर है, उसके बाद ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। दूसरी क्रीम है डॉक्टर स्क्रॉल फ्रीज अवे वॉट रिमूवर। इस क्रीम को डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यह पहली ही बार में अपना असर दिखाने लगती है। ऐसा है कि यह तिल कम से कम 10 से 12 दिन लगाती है चेहरे से तिल को पूरी तरह हटाने में, लेकिन इसका फायदा काफी लोगों को देखने को मिला है जिसके रिव्यूज आपको अमेजोन पर आसानी से मिल जाएंगे, तो आप जरूर जाकर के पढ़ें। इसके अलावा यह क्रीम काफी फायदेमंद है आपके चेहरे से तिल हटाने के साथ साथ वहां पर कोई दाग ना छोड़ने के लिए भी, तो आप इस क्रीम को भी जरूर ट्राई करें। इस क्रीम का इस्तेमाल आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही करें, यानी एक बार उनसे सलाह जरूर लें। आखिरी क्रीम है वो है टर्मेंटेंट क्रीम। यह एक प्राकृतिक तरीके से तिल हटाने की क्रीम है जो कि 8 घंटों में चेहरे से तिल को हटा सकती है। ये आपको चेहरे पर लगा रहना है, उसके बाद आपको इसे साफ करना है। यह काफी तेजी से असर करती है, लेकिन हाँ, चेहरे पर इसके दाग छोड़ने की आशंका होती है, तो इस क्रीम का इस्तेमाल आप अपने रिस्क पर करें और डॉक्टरी सलाह के बाद करें। सबसे खास बात कि कुछ लोगों को इस क्रीम को लगाने के बाद जलन भी हुई है, तो आप इस बात को भी ख्याल में रखें और उसके साथ ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। चेहरे पर दाग छोड़ देने की वजह से इस क्रीम को मैं तीसरे स्थान पर रख रही हूँ, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। तो ये रही 3 ऐसी क्रीम्स जिनकी मदद से आप आसानी से अपने फेस पर मौजूद तिल या मस्से को हटा सकती हैं। इन क्रीम्स को ट्राई करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसके साथ ही साथ अगर आप इन क्रीम्स के बारे में और जानना चाहती हैं तो मेरी वेबसाइट खूबसूरतworld.com पर विजिट करें, जिसमें आपको इस क्रीम से रिलेटेड या फिर और भी ऐसी बहुत सी ब्यूटी टिप्स मिल जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।